नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरा जो बड़े भैया है मेरे गांव का, उन्होंने कुछ एलईडी बल्ब लाया है, ख़राब हो गया है, मेरे पास रिपेयर कराने के लिए। तो चलिए पूछता हूँ मेरे भैया से और क्या क्या हुआ है एलईडी बल्ब में। तो भैया बताइए क्या क्या हुआ है, कौन सा बल्ब में इस बल्ब का क्या हुआ है। वायर टूट गया है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता बल्ब है, ये डीओवी बल्ब है, आपको पता ही है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, जो वायर से वो टूट गया है। टूट गया है, ठीक है, ये रिपेयर हो जाएगा। और दूसरा क्या हुआ है। और इस बल्ब का एक बल्ब कट गया है। हाँ, ये तो मैं एक बार रिपेयर कर दिया था, देख सकते हो, ये बल्ब एक बार रिपेयर कर दिया था और बता दिया था कि ये जो बल्ब है ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा। फिर भी भैया ने चलाया उसको और फिर से दोबारा रिपेयर करने के लिए आया है, क्योंकि इस तरह का जो बल्ब है ना बहुत ही सस्ता होता है। आप लोगों को तो पता ही है, ये जो डीओवी प्लेट है सिर्फ 10 रुपये में मिल जाता है, 9-10 रुपये में। तो कोई बात नहीं, इसको भी रिपेयर कर देंगे या नहीं लगा दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसके भी देखे, इधर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ ये बल्ब तो। ओ माय गॉड, देखिए दोस्तों, ये जो बल्ब है ना बहुत ही पुराना मॉडल है, बहुत ही पुराना। इस तरह का बल्ब सबसे पहले आता था, जो कि बहुत ही कम रोशनी देता था। और यहाँ पर जो यहाँ पर डीओवी में एक ड्यूअल डीओवी है, लेकिन यहाँ पर जो कैपेसिटर के मदद से, पीएफ के मदद से इस बल्ब को जलाया जाता है, देख सकते हो यहाँ पर पीएफ लगा हुआ रहता है। ये बहुत ही पुराना मॉडल है और यहाँ पर भी क्या वायर टूट गया है सिर्फ ना, वायर। तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए, सभी एलईडी बल्ब को मेरे डेस्क में रखता हूँ और उसके बाद रिपेयर करता हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। एक एक करके सही बल्ब को मैं रिपेयर करता हूँ। ये रहा हमारा 3 खराब एलईडी बल्ब, देख सकते हो, 2 डीओवी है और एक पुराना टाइप का डीओवी है। ठीक है, डिफ्यूजर्स को साइड में रखता हूँ। सबसे पहले जो आसान है एलईडी बल्ब रिपेयर करने में, वो रिपेयर करता हूँ। सबसे आसान मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एसएमडी एलईडी से बिल्कुल ठीक है सभी, मुझे लग रहा है ऐसा। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद पता चलेगा। देखिए भैया ने क्या किया है, यहाँ पर देख सकते हो, वायर्स को हाथों से लपेट कर लगा दिया है यहाँ पर। तो इसको सोल्डर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अंदर कुछ भी नहीं रहता है। ओ माय गॉड, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कोई भी स्क्रू भी नहीं लगाया है। स्क्रू था यहाँ पर नहीं था बताया, तो यहाँ पर स्क्रू जरूर लगाना है, नहीं तो ये दोबारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रू लगा दूंगा। सबसे पहले इस वायर को मैं सोल्डर करता हूँ, यहाँ पर इस वायर को शोल्डर करता हूँ। तो शोल्डर करने से पहले आपको यहाँ पर जो वायर है ना, उसको थोड़ा सा छील लेना पड़ेगा ब्लेड से। अब देख सकते हो यहाँ पर कार्बन जम चुका है, ठीक है ना। इस तरह का जो वायर होता है बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, क्योंकि यहाँ पर लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा तांबा या लोहा मिक्स करके बनाया जाता है, ताकि जो कॉस्ट है वो कम पड़े इसलिए। तो इसको थोड़ा सा ब्लेड से घिस लेता हूँ, नहीं तो शोल्डर नहीं होगा। ये रहा हमारा पुराना ब्लेड, इससे छील लेता हूँ बहुत ही केयरफुली, ये काम करना है आपको, नहीं तो आपका जो हाथ है कट जाएगा। थोड़ा सा छीलना है, मतलब साफ कर देना है। हाँ, काफ़ी है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सोल्डरिंग पेस्ट में लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर करना है हमें। यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर जमा हुआ है, ठीक है ना, वहीं से काम चल जाएगा। फिर भी पिघलाने के लिए थोड़ा सा शोल्डर लगाना पड़ेगा शोल्डरिंग आयरन में। ये रहा हमारा शोल्डरिंग आयरन, यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर लगा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इस वायर को यहाँ पर शोल्डर कर देता हूँ। देख सकते हो शोल्डर हो गया बहुत ही आसानी से, लेकिन एक काम आप संभाल के कीजिए, नहीं तो आपका आपका हाथ जल सकता है। और यहाँ पर एक स्क्रू भी लगा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्क्रू नहीं है, जिस वजह से ओवर हीटिंग के वजह से दोबारा ख़राब हो सकता है। देखिए मेरे पास एक पुराना एलईडी बल्ब था, वहाँ पर से स्क्रू को ले लेता हूँ।
एक ही स्क्रू का जरूरत है, ले लिया ठीक है ना। और यहाँ पर लगा देता हूँ, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, किधर होल है। अरे यार दिखा नहीं दे रहा, अरे वीडियो भी फोकस नहीं कर रहा। हाँ यहाँ पर मिल गया, देख सकते हो, दोनों पे भी लगा सकते हो लेकिन एक लगाने से काफ़ी है। कस देता हूँ, अरे यार इधर क्या, आराम से मैं लगा लेता हूँ ठीक है ना। देखिए कस दिया और बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, तो देखते हैं ये रिपेयर हुआ कि नहीं। डिफ्यूज़र को लगा देता हूँ, ये डिफ्यूज़र नहीं है, ये तो मेरा वाला है, दूसरा है। हाँ सस्ता वाला डिफ्यूज़र देख सकते हो, ये भी फर्क आपको पता चल जाएगा। अच्छा डिफ्यूज़र दिखाओ, देख सकते हो ये हाई क्वालिटी का डिफ्यूज़र है, ये लो क्वालिटी का है, तो इसको फर्क आप देख सकते हो। और ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा लाइट आ रहा है और इसमें ज़्यादा लाइट नहीं आएगा। ये डुप्लीकेट है, ये असली है ठीक है ना। तो इसको लगा देता हूँ। और हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड है, देख सकते हो, स्विच बोर्ड या डायरेक्ट बिजली में भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होपफुली ये ग्लो करे। हाँ बिल्कुल ये रिपेयर हो चुका है ठीक है ना। तो चलिए इस बल्ब को साइड में रखते हैं। और हमारा दूसरा बल्ब क्या हुआ है, ये तो रिपेयर कर चुका था मैं एक बार, देख सकते हो दूसरा एक बल्ब ख़राब हो चुका है। ये तो बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो बल्ब है बहुत ही, देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही पुराना मॉडल का एक बल्ब है। तो यहाँ पर भी जो एक वायर है टूट गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम जोड़ देंगे और बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाएगा। अरे यार, अरे यार बात मत कीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वायर को कैसे छीलूँ मैं, इस वायर को छीलने के लिए मेरा ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर जो है ना, अरे यार क्या करूँ, देखिए दोनों वायर टूट गया। इस तरह का बल्ब में क्या करूँ मैं, देखिए वायर छीलने आया था और दोनों ही टूट गया। फिर भी छील के दिखा देता हूँ आपको। अरे यार यहाँ पर इतना छोटा वायर से छील भी नहीं पा रहा हूँ, टाइट करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ओके देख सकते हो बहुत ही घटिया क्वालिटी का वायर है, तो नई वायर लगाना पड़ेगा। ये रहा हमारा नई वायर, बहुत ही पतला वायर है ठीक है ना, बहुत ही मोटा लेने का ज़रूरत नहीं है, पतला वायर। इसको मेज़र कर लेता हूँ कितना लगेगा। हाँ इतना काफ़ी है, काट लेता हूँ। ओके काट लिया ठीक है ना। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर कब काम आएगा देख सकते हो। यस बहुत ही आसानी से सिल सकता हूँ मैं। ओके इधर भी, ओके देख सकते हो इसको भी काम हो गया तमाम। इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ और शोल्डर कर देता हूँ। उससे पहले इस वायर को भी निकाल देता हूँ। मेरा हमारा शोल्डरिंग आयरन यहाँ पर लगाऊंगा, यार पिघल जाएगा। यस पिघल गया देख सकते हो, बहुत ही आसानी से हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी होल है एक, देख सकते हो यहाँ पर वायर्स को घुसा देता हूँ ठीक है ना। इधर से घुसाता हूँ, आसानी से घुसा सकते हो ठीक है ना। देखो देख सकते हो आ गया है ठीक है ना। दोनों वायर्स को शोल्डर कर देता हूँ। तो देख सकते हो दोनों वायर को मैं लगा दिया हूँ यहाँ पर ठीक है। अब जो मेरा मतलब हमारा जो डीओवी है उसको लगाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो अगर वायर टूट जाए तो यहाँ पर देख सकते हो एन और एल लिखा रहता है, यहाँ पर लगा सकते हो वायर्स को। तो कोई भी वायर कहाँ पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी देखने का ज़रूरत नहीं है ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पर लगा दिया और शोल्डर कर देता हूँ इस तरफ से, बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हो।
शोल्डर कर करने से पहले आपको थोड़ा सा शोल्डरिंग पेस्ट लगा देना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली शोल्डर हो सके फिनिशिंग के साथ, ठीक है ना। और हमारा ये रहा शोल्डर, शोल्डरिंग आयरन लेता हूँ, मेरा हमारा शोल्डरिंग आयरन, थोड़ा सा शोल्डर लगा लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही फिनिशिंग के साथ शोल्डर हो गया, ठीक है ना, न्यू ब्रांडेड। और यहाँ पर जो वायर्स लगाया वो भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर्स को काट देता हूँ, नहीं तो ये शॉर्टिंग कर सकता है, ठीक है ना। होपफुली ये बल्ब भी रिपेयर हो गया, इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। देख सकते हो दो यहाँ पर पॉइंट है प्लास्टिक का, यहाँ पर दोनों कोनों को यहाँ पर लगा देना पड़ेगा, दबाने से भी लग जाएगा, लेकिन मिडिल में ना दबाए, साइड में दबा सकते हो, ठीक है ना। तो काम हो गया शायद, तो डिफ्यूजर दो, हाँ ये वाला डिफ्यूजर दीजिए दीजिए, पोछने का ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूजर को लगा देता हूँ, होपफुली ये बल्ब भी रिपेयर हो गया, 7 वाट लिखा हुआ है। तो चलिए बिजली में लगाते हैं, मेरा हमारा बिजली, यस ग्लो कर रहा है, इसी बात पर लाइक कीजिए। लेकिन रोशनी कम दे रहा है क्योंकि ये बहुत ही पुराना मॉडल का एलईडी बल्ब है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, काम चलाओ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बल्ब किधर गया, ये रहा तीसरा बल्ब, इसको मैं एक बार रिपेयर कर दिया था इमरजेंसी के लिए, देख सकते हो मेरा अम्बरे भैया का ही बल्ब है, इमरजेंसी के लिए मैं रिपेयर कर दिया था क्योंकि उनके घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। तो आज दूसरा जो बल्ब है वो ख़राब हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है, इस तरह का बल्ब में अगर इस तरह से शॉर्टिंग करके रिपेयर कर देते हो तो बाकी जो एसएमडी लेडीज है वो भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, उसके बाद अगर चलाते हो तो कम ख़राब होगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको वैसे ही रिपेयर कर दूंगा मैं जैसे मैं बताया, ठीक है ना। पहले लगा देता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं इस डीओवी बल्ब को एक अलग तरीक़ों से रिपेयर करूँगा, जिस तरह से मैं पहले रिपेयर करता था इस यहाँ पर जो खराब एलईडी बल्ब होता था उसको शॉर्ट कर देता था, उसके बाद एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगा देता था, लेकिन आज मैं यहाँ पर जो खराब एसएमडी एलईडीज हैं उसको बदलूँगा। बहुत ही आसानी से आप बदल सकते हो घर पे भी, ठीक है ना। तो एक खराब डीओवी प्लेट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सभी जो एसएमडी एलईडीज है ख़राब नहीं होता है, कुछ जो एसएमडी एलईडीज है मतलब कुछ क्या ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर से मैं उठा के यहाँ पर लगाऊंगा, तो कैसे करना है आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डीओवी को यहाँ पर से हटाना पड़ेगा, जो बैक साइड है वहाँ पर से ग्लू हो उसको छुरा लेना पड़ेगा, या जो थर्मल कंपाउंड है वो रहे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अगर ग्लू रहे तो उसको इस तरह से ब्लेड से साफ कर सकते हो। थर्मल कंपाउंड लेना पड़ेगा दोस्तों, थर्मल कंपाउंड अलग चीज़ होता है, जो सोल्डरिंग पेस्ट अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। यह देख सकते हो ये ख़राब है, जल गया है, ब्लैक स्पॉट यहाँ पर है, पीछे लगा देना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा दबा के नहीं पकड़ना है, नहीं तो जो एलईडी है ना टूट जाएगा। मेरे बड़े भैया का मदद लेता हूँ, ठीक है ना, जब मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगाऊंगा तब यहाँ पर से खींच लेना खराब एसएमडी एलईडी को, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन दीजिए मुझे, यस काफ़ी है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो खराब एसएमडी एलईडी है ना उसके पीछे लगाऊंगा मैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर जहाँ पर मैं थर्मल कंपाउंड लगाया, और देख सकते हो रुकिए थोड़ा सा रुकिए, रुको रुको मैं बताऊँगा, पूरा देर रखना पड़ेगा। और खींच के देखा तो नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है दोस्तों, नहीं हुआ है दोस्तों। अभी जो वोल्टेज है सोल्डर आयरन का यहाँ पर कम आ रहा है, इस जिस वजह से हीट नहीं हो रहा है दोस्तों। सोल्डरिंग आयरन से काम नहीं चला तो
मेरा एक ही उपाय है, देख सकते हो इस्त्री मशीन, उसके मदद से आयरन मशीन जो भी के, वही एक उपाय है। इसको रखता हूँ यहाँ पर, ये रहा प्लग, ठीक है ना, इसको बिजली में लगाता हूँ और बिजली में लगा दिया हूँ और ये ऑन है ऑलरेडी, देख सकते हो जल गया, ठीक है ना। इसके मदद से बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये काम। थोड़ी देर रहने देते हैं, आधा मिनट से एक मिनट, ठीक है ना, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो आधा मिनट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद देख सकते हो हमारा खराब डीओबी। यहाँ पर पीछे में जो थर्मल कंपाउंड है उसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जल्दी से हो जाएगा ये काम, पहले जो नहीं हुआ ना, अभी ये जल्दी से हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा दबा के रहता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा दोस्तों, हो जाना इस बार अगर आज नहीं हुआ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है आज, देख सकते हो बहुत ही आसानी से बिखर गया, ठीक है ना, खराब SMD LED। इसको साइड में रख देता हूँ, नीचे फेंक देता हूँ। यहाँ पर जो शोल्डर था इसको भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबा के रहता हूँ। अरे यार इसको तो दूसरा तरीके से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा और एक खराब जो DOB है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा थर्मल कंपाउंड लगा देना पड़ेगा पीछे थोड़ा सा। इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ पर से, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हीट है हो तो ये ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद जो खराब DOB है इसको यहाँ पर रख देता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से रख देना पड़ेगा, इस तरह से दबा के रहिए और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। रात में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रात में मेरे गांव में वोल्टेज थोड़ा सा कम रहता है, तो जिस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर भी ये बहुत ही आसानी से हो रहा है, देख सकते हो 15 सेकंड में ही हो गया, देख सकते हो, ठीक है ना, उखड़ गया। इसको साइड में रखता हूँ, देख सकते हो इसको मैं उखड़ लिया, कुछ उखड़ लेता हूँ यहाँ पर से, 4-5 जितना चाहिए हमें, ठीक है ना, काफ़ी है, तो इसको यहाँ पर से हटा लेता हूँ, ओके। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो खराब DOB था, यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से यहाँ पर देखिए, जिस तरफ जो ज़्यादा एरिया है उस तरफ नेगेटिव है, जिस तरफ कम एरिया है वो पॉजिटिव है, तो ध्यान से आपको नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा SMD LED को। दोबारा से यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो अच्छा SMD LED से, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, देख सकते हो जिस तरफ ज़्यादा एरिया है वो है नेगेटिव, जिस तरफ कम एरिया है वो पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह से ही यहाँ पर भी बिठाना है, कुछ इस तरह से हीट लेने देते हैं पहले और यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो आराम से ये कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ओके। अरे यार क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, क्योंकि कैमरा में देखना पड़ रहा है, जिस तरह से बिठा दूंगा, ठीक है ना, तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं कनेक्ट होता है तो आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से बिठा दीजिए और उसके बाद यहाँ से हटा लीजिए तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो सारे SMD LEDs को मैं चेंज कर दिया जो खराब था, यहाँ पर एक खराब था ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया कुछ इस तरीकों से, इस्त्री की मदद से, आयरन की मदद से, जो भी सोल्डर आयरन से तो काम नहीं चला तो होपफुली ये रिपेयर हो चुका है, तो दोनों वायर्स को लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पर लगा देता हूँ, दोनों वायर्स को घुसा देता हूँ, ठीक है ना,
और यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं था, ग्लू लगा हुआ था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्क्रू लगा देंगे। तो दोनों वायर्स को सोल्डर कर दिया, एक स्क्रू लगा देता हूँ यहाँ पर, इधर से लगाता हूँ घुमा के। अरे यार फिट भी नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले चला के दिखा देता हूँ इसको, तो बाद में बदल दूंगा मैं स्क्रू को, ये रिपेयर हुआ है कि नहीं, होपफुली हो जाना चाहिए। अरे डिवीजन नहीं है, होपफुली हो जाना ताकि तो बिजली में दोबारा लगाता हूँ, यहाँ पर बिजली दे दिया हूँ और होपफुली ये ग्लो कर जाना दोस्तों। यस क्या बात है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ। आज तीन तीन एलईडी को मैं एक साथ रिपेयर करके दिखा दिया। दो इन तीनों को देख सकते हो, इन सभी को मैं रिपेयर किया अभी, देख सकते हो। इसको भी लगा के दिखा देता हूँ, वाह क्या बात है। देखिए इसको भी रिपेयर कर दिया और इसको भी रिपेयर कर दिया, वाह क्या बात है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।